मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड कार्यालय का CDPO कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसी भ्रष्टाचार का पोल खोलने और अधिकारियों को सही टाइम टेबल दिखाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लालगंज इकाई ने CDPO कार्यालय का निरीक्षण किया, लेकिन कार्यालय में लगा ताला देखकर सभी दंग रह गए। फोन लगाया गया तो मैडम बोली फील्ड में है। साथ ही कार्यालय में न तो कोई कर्मचारी था और ना ही कोई पर्यवेक्षिका, लेकिन कहीं भी जाने से पहले कार्यालय में हाजिरी तो बनानी होती है, लेकिन कार्यालय में लगा ताला साबित कर रहा था कि हाजिरी भी गलत ढंग से बनाया जाता है। ऊपर से घूसखोरी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। CDPO कार्यालय में कोई काम बिना घूस के संभव नहीं है। जो घूस देने में सक्षम नहीं है उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। जब CDPO अधिकारी का ये हाल है तो आंगनबाड़ी केंद्रों का क्या हाल होगा। इसमें सरासर वरीय अधिकारी दोषी हैं, जो किसी भी कार्यालय को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और समय से निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिसका नतीजा है कि प्रखंड स्तर के अधिकारी मनमानी पर उतर जाते हैं। ड्यूटी पर आए या न आए वेतन तो चालू है, साथ ही सवाल पूछे जाने पर धमकियां बोनस में मिलती हैं। CDPO के मनमानी से विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कार्यालय में तालाबंदी की और घंटों नारे लगाए। साथ ही BDO लालगंज से भी इस मामले में जवाब तलब किया एवं वरीय अधिकारियों को भी सूचना भेजा। देखिए क्या है मामला और क्या बताया जा रहा है। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और बहुत समय से ये सूचना मिल रही थी कि CDPO ऑफिस, जो कि लालगंज प्रखंड अंतर्गत है, उसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक आवेदन तैयार करके CDPO मैम से मिलने आए देने के लिए, लेकिन यहाँ अभी 12 बज रहे हैं, 12 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन ना कोई कर्मचारी है, ना कोई CDPO है, ना कोई छोटे स्तर का कर्मचारी है, ना पर्यवेक्षिका है। कार्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में तालाबंदी बंद पड़ा हुआ था, तो एक क्लर्क साहब आए हैं और ताला खोला है। तो हम लोगों ने इस ऑफिस में कार्यालय में ताला बंद करने का काम किया है और जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके लिए स्थानीय जो भी सेविकाएं हैं, 204 सेविका के आसपास का सूचना है, उन सभी से CDPO के सह पर उनके सुपरवाइजरों के द्वारा 3,000 रुपए की मांग की जाती है। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी उगाही की मांग की जाती है। जब सेविका, जो सेविका ये पैसा देने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती है और जो इसका विरोध करती है, उनके यहाँ जो कि सेंटर सुबह 8 से 2 बजे तक चलाना है, 2:40 में सेविका जाती है, सुपरवाइजर जाती है और उनका हाजिरी काटती है और कहती है कि तुम जब तक हमको दलाली नहीं पहुंचाओगी तुम्हारा हाजिरी काटते रहें। जब सेविका यहाँ उनसे फरियाद करने आती है तो सेविका के साथ धक्का मुक्की किया जाता है, जिसमें धक्का मुक्की करने का काम लवली सिंह नाम की एक पर्यवेक्षिका ने किया है और ये जबरन दलाली सुनने का, जो जितनी भी सुपरवाइजर है, सरिता सिंह भी है, लवली सिंह है और भी जितने भी सुपरवाइजर है, सब पर दबाव बना करके सेविकाओं से, समाज से, गांव से, लाभुकों से जबरन उनसे असूली कराया जाता है। मैं तो प्रमाण पत्र बनाने से आप लोग सेविका के पक्ष में तालाबंदी कर रहे हैं। हम लोग सेविका और के पक्ष में नहीं, हम लोग भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके विरोध में तालाबंदी कर रहे हैं, किसी के पक्ष में नहीं कर रहे हैं। चूंकि हम लोग विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जवाबदेही को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने आज तालाबंदी किया है कि ऑफिस 10 बजे से चलता है, न कि आज 1 बज गए हैं, अभी तक कोई ऑफिस में नहीं है। आप लोग कितने बजे आए थे? हम लोग 10 बजने से 10 मिनट पहले से ही यहाँ उपस्थित। सर हमको जब भी जाती है सेंटर पे तो इसका नियम है कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ही चलना, ये कभी 2:40 में पहुंचती है, कभी 2:30 में पहुंचती है और जाके अटेंडेंस काट देती है। सती है कि जाके आप ऑफिस में मिलिए। ऑफिस में मिलने का मतलब है कि जो 2,000 या 3,000 का जो मंथली जमा किया जाता है हर एक सेविका सहायिका के द्वारा, वो यदि आप नहीं जमा कर रहे हैं तो आप उसकी पूर्ति वहां जाके कीजिए, या नहीं तो आपने कानूनी कार्रवाई किया। और ये हर एक बार का नियम है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 204 सेविकाएं है अपने प्रखंड में और 204 सहायिका है, उन लोगों से पर सेंटर 3,000 रुपए लिया जा रहा है, नहीं मकान में चला रही है, वो भी पैसा अगर बनता है गवर्नमेंट की तरफ से तो पहले से कहा जाता है कि अगर 10,000 मिल रहा है तो 2,000 पहले यहाँ जमा करिए, उसके बाद हम 10,000 आपका रिलीज करवाएंगे।
इस तरह का भ्रष्टाचार से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी सूचना मिलता हम लोग और सेविकाएं डर के मारे बोल नहीं पाती है, अगर जो बोलती है उनको 10 दिन का हाजिरी काट दिया जाता है, 20 दिन का हाजिरी काट दिया जाता है, दिखाया था कि लेकिन अगर हम लोग पर आप भरोसा नहीं करेंगे, चूंकि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के अलावे मैं बिहार विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अभी संयोजक हमारे यहाँ कहा जाता है यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर उसका अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पूरी जवाबदेही से मैं ये विषय आपके सामने रखने का काम आज कर रहा हूँ। उसके अलावे सर हम लोगों ने आज प्रदर्शन करने हम नहीं आए थे, हम आज अपने जिला संयोजक नगर मंत्री प्रखंड संयोजक के साथ आज हम आवेदन देने आए थे सीडीपीओ मैम के, लेकिन यहाँ 12 बजे तक तालाबंदी था, कोई कार्यालय में नहीं आया था, आप लोग भी सुने और बहाना क्या, जब फोन पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन लोगों के द्वारा ये बहाना बनाया जाता है कि हम लोग फील्ड में हैं, लेकिन मुझे सर आपसे आपके माध्यम से ये जानकारी लेना है, या फिर आप अगर कहेंगे तो हम आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी लेंगे कि क्या जो फील्ड वर्क में जिनको जाना है उनको पहले अटेंडेंस ऑफिस में नहीं करना है क्या, बिना अटेंडेंस किए हुए हर फील्ड में जाना है, ऐसा नियम अगर है तो मुझे इसकी जानकारी सर चाहिए लिखित में अगर आप